नमस्कार, इन खबर में आपका। इंडी गठबंधन की बैठक हो गई, उसमें 20 दिन में सब कुछ तय करने का फैसला हुआ, लेकिन उससे ज्यादा रार की चर्चा हो रही है। दरअसल लालू और नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए थे, आखिरकार उनको कौन सी बात चुभ गई ये चर्चा हो रही है। दूसरी बात कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसको लेकर के कांग्रेस थोड़ा तनाव में आ गई, क्या हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश, रामगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। दरअसल खबर है कि जो गठबंधन बन रहा है उत्तर प्रदेश में, अलग से कांग्रेस बीएसपी से बात कर रही है। अभी आपने सुना होगा जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तनातनी हो गई थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहुत कुछ कहा तो अखिलेश यादव ने भी खरी खरी सुना दी। रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अब कांग्रेस का ईगो खत्म हो गया है, रिजल्ट ने सब ठीक कर दिया है। इसी बीच उन्हें खबर मिली कि कांग्रेस और बीएसपी में अंदर खाने बात चल रही है, यही बात रामगोपाल यादव ने मीटिंग में उठा दिया। जैसे ही उन्होंने उठाया तो कांग्रेस भी चुप हो गई और मीटिंग में सन्नाटा छा गया, सब कुछ चला गया कि क्या कांग्रेस की बीएसपी यानी मायावती से अलग से बातचीत हो रही है, ये समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं है। अब इसकी पुष्टि कैसे हो तो सुनिए अखिलेश यादव से, जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। कैसी लगे इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई सीट, बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे, क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो, क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल है उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है मुझे नहीं पता, क्या आप पूछ रहे हो? मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसा तरीके से हुआ, इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में अस्सी हराओ, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और लोकतंत्र बचाओ? चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी, क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई, ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि यूपी सम्मानजनक सीट दी जाएगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, वो भी मीटिंग में थे, वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसी बात हुई थी, रामगोपाल यादव ने अपनी बात रख दी है, उनको भी सुन लीजिए। और एक प्रमुख पार्टी के बसपा आती है इसमें तो मैं आउट हूं, वो अखिलेश यादव थे, उन्होंने अपनी बात रखी, रामगोपाल जी ने कहा था उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमिटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी? बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। एक सवाल सर और, दो बात हो गई। अब क्या होता है कि इसी बीच जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो मिलते हैं एनसीपी चीफ शरद पवार से, उनकी आजाद पार्टी है अपनी, और मिलने के बाद वो इसको एक्स पर पोस्ट डालते हैं। अब यहां से क्या होता है कि मामला जो है ट्विस्ट ले रहा है कि क्या अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बीएसपी चीफ मायावती की जगह पे चंद्रशेखर की एंट्री हो, और यदि चंद्रशेखर एंट्री लेंगे तो फिर इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान होगा जयंत चौधरी के, जो कि इस गठबंधन के पार्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। एक झगड़ा तो ये था, अब दूसरे झगड़े के बारे में सुनिए। नीतीश कुमार क्यों भड़के, क्यों लालू और नीतीश कुमार उस मीटिंग को छोड़ करके चले गए थे?
दरअसल हुआ यूं था कि जो टीआर बालू है डीएमके नेता नीतीश कुमार कुछ बोल रहे थे तो मनोज झा यानी कि आरजेडी नेता से ये कहा कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए तब जाकर के समझ में आएगी बात। इसी पे नीतीश भड़क गए। नीतीश ने ये कहा कि इस बैठक में जो शामिल हो रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं उनको हिंदी कम से कम समझ में आनी चाहिए। वैसे सोचिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टीआर बालू अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत हो सकती है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन की उन्हें जरूरत हो सकती है। नीतीश कुमार बहुत दिनों से बिदके हुए हैं। जो INDIA नाम पड़ा था वो नीतीश कुमार बेंगलुरु की बैठक में इस नाम से सहमत नहीं थे। विपक्ष को एक करने के लिए नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले 23 जून को पटना में बैठक बुलाई थी। उधर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे बिहार की तब जाकर के तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लालू यादव भी इस बात के फेवर में है कि कन्वीनर जैसी पोस्ट यदि किसी को देनी है तो नीतीश कुमार को दे दिया जाए। अंदर खाने की बात यह है ताकि तेजस्वी के लिए रास्ता खाली हो जाए। वो जो है ममता बनर्जी ने हूं नहीं थे, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रख दिया जो कि नीतीश और लालू दोनों को खराब लगा और नीतीश पहले से बिदके हुए है ही, सो TR बालू पे उन्होंने अपना गुस्सा उतार दिया था। तो ये तो हो गया नीतीश लालू के नाराज होने और मीटिंग से चले जाने की बात। उधर समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रख दी कि BSP से कोई अंदर खाने कांग्रेस की बात चल रही है तो हरगिज उसे मंजूर नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही ये बात बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेगी ये समाजवादी पार्टी तय करेगी न कि कांग्रेस। यानी वो बताना चाहते हैं कि UP में उसकी जमीन बहुत उनकी जमीन बहुत मजबूत है, कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती हुई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए दिक्कतें हो रही है। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने इस बात को माना कि कई राज्यों में सीटों के शेयरिंग को लेकर के दिक्कत हो सकती है लेकिन उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपको याद होगा जब ये चुनाव हो रहा था पिछला चुनाव तब दो अच्छे लड़के साथ आए थे लेकिन बात बनी नहीं थी, कोई खास रिजल्ट निकला नहीं था। अब देखते हैं कि इस गठबंधन में कोई खास रिजल्ट निकलता है या यूं ही जो है मीटिंग होती रहती है और बाद में पता चलता है कि सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो आपस में झगड़ा होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी मीटिंग में, वो ये कि ममता बनर्जी ने जब खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया तो कई दलों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उसी में लालू यादव नीतीश कुमार जैसे ढेरों नेता है कि आपने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम क्यों लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे बात समझ रहे थे लिहाजा उन्होंने इसको तरीके से टाल दिया कि पहले चुनाव जीता जाए, मिल करके चुनाव लड़ा जाए तब जा करके इस पर बात हो जाएगी, अभी इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। ये ममता बनर्जी की भावना थी। ये तीन तो बातें अंदर से निकल करके आई है, अभी आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। रहिए ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।